जानलेवा नोवल कोरोना महामारी के बीच दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूर और घरों में काम करने वाली महिलाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। प्रवासी मजदूर और घरों में काम करके अपने परिवार को चलाने वाली इन महिलाओं और हेल्पर्स के लिए गाजियाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ता आगे आए हैं और आगे बढ़कर इन लोगों की मदद की है। इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुपर टैक स्टेट सोसाइटी के करीब 200 घरों में काम करने वाले मेड और हेल्पर्स को भोजन वितरित किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लाइन लगवाने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उचित दूरी पर गोल सर्किल बनवा दिए थे ताकि लाइन में खड़े होने के दौरान उचित दूरी बनी रहे। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने भोजन वितरित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अपील पर आज चौथे लॉकडाउन में सुपर डे सोसाइटी में जो मेड और स्वीपर लोग हैं उनको राशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।